14 साल से कहते हैं कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन 14 साल से कहते हैं कि एक सही तीन गलत, एक सही तीन गलत, मगर हम तो 1400 साल से कहते हैं कि तीन गलत और एक सही। अब हैदरिया सच्चाई हो तो भाई दुआएं दे दिएगा, बिल्कुल नया ख्याल मिला था कि
नफास लेना रुकावट तड़प के नस ते जा पहुंती है ये सच है तो तुम्हें मोहब्बत को हम कहीं भी रहे हमारी रूह मगर करबला उस कमेटी के लिए जो इतना बड़ा प्रोग्राम करती है उनके लिए मुलादा की यह कथा देख ले आकर बाजार दारी का जिंदा जो ये कहते हैं सरे फर्जे ऐसा कुछ भी एक मसला और तीन चार शेर बीच बीच में नौजवानों के लिए शेर आते रहेंगे पर जहां तक सुनते रहेंगे आप मैं सुनाऊंगा मैं समझ जाऊंगा कहां से आप थक गए बस बिल्कुल वापस मसला मुलाहदा किए दुनिया को कमे शय से नुकसान शेर सुनते जाओ बेटा दब जल्दी जल्दी जब कर वो बला देखी अक्का बुलाता करो बेटा जब कर वो बला देखी काबे की जमी बोली शेर नौजवानों के लिए इस सलाम का आखिरी शेर मुलाहदा किए वो हाथ दुआ मांगे खलता है दुआओं को वो हाथ दुआ मांगे खलता है मातम का अरमान नहीं होता मैं सब
अभी उस लड़के ने एक मेरा मतला पढ़ा था और अब मैं मतला पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए शायद आपके काम आ जाएंगे। एक कौन नारे अब आईने बताएंगे चेहरों के फर्क को। अब आईने बताएंगे चेहरों के फर्क। हम भूल के साथ रहते हैं तुम हो मुला के साथ। हम भूल के साथ रहते हैं तुम हो मुला के साथ। हम भूल के ये कौन नारे सलवात का सारा दिए। शायद नया शेर हो कुमेल साहब, मेरे हिसाब से शायद नया शेर आपने सुना हो तो खामोश रहिए, तो समझ जाएंगे आपने सुना। शेर बुलाता शेर। मैं कब्रों में सजाऊंगा दीवार कब्र पर। मैं कब्रों में गाजी के जैसे मार हैरत न कीजिए। गाजी के जैसे मार हैरत न कीजिए। कासिम तो बचपन से रहे हैं चचा के साथ। कासिम तो हजराती मोहतरम जनाब अजादार अजमी साहब बेहतरीन अशार बेहतरीन अंदाज के साथ मिशा में जाके हवाले कर रहे थे। हजरात मैं आपकी शुक्रगुजार करता हूँ। ये अय्याम गम है हजरात, ये जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है ये मुसालमे का है, महफिल नहीं हो रही है और पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, लिहाजा इस चीज़ का जहन में ख्याल रखें कि पता नहीं कौन कौन इस प्रोग्राम को देखता है। करोड़ों लोग इस प्रोग्राम को
देखते हैं पूरी दुनिया में लाइट का विकास हो रहा है, आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा है, बस आप समझ जाएं। हजरत लखनऊ में दो साल में हुआ करते थे तो अदबी शोरा शोरा बैठते थे, उसमें आवाम नहीं हुआ करती थी। शोरा एक दूसरे शायर को कलाम सुनाया करते थे, जिसमें एक शेर जनाब हादी लखनवी हादी हादी रजा हादी लखनवी साहब का मुसालमे का एक शेर सुनाता हूँ। कहते हैं, शख्सियत थी एक दो नामों से पहचानी गई, शख्सियत थी एक दो नामों से पहचानी गई, नर गए आदा में ज़ैनब घर के अंदर फातिमा। ये है मुसालमे का शेर। आप खुश हो या ना हो, मेरा मकसद है शहजादी राजी हो जाए, बस मेरा आने का मकसद, आपका आने का मकसद। अजीजाने मोहतरम, जब बात यहाँ तक आ ही गई तो कादिम जरवली साहब का एक शेर और सुना देता हूँ मुसालमे का। ये हिंदुस्तान के मायानाज शोरा हैं। कहते हैं कि असगर की सारी उम्र सफर में गुजर गई, असगर की सारी उम्र सफर में गुजर गई, ये वो अली है जिसको कभी घर नहीं मिला, ये वो अली है जिसको कभी घर नहीं मिला। क्या जनाब शकील मेरी बात की तस्दीक करेंगे, 11 मुहर्रम को सरजमीन उतरौला में जनाब 12 मुहर्रम को जैनब पे मुसालमा होता है जनाब शकील उतरौलवी साहब के घर पे। उसका एक बड़ा मशहूर शेर शकील उतरौलवी साहब का, ये भी नाम बहुत ही दुनिया ईश्वर अदब का बड़ा मोहतरम नाम है शकील उतरौलवी साहब। कहते हैं कि नूर ले ले ए खुदा चश्मे तमाशा कार से, उन्हें माबूद तुझे अंधा कर दे, नूर ले ले ए खुदा चश्मे तमाशा कार से, फखरे मरियम का गुजर है शाम के बाजार से, फखरे मरियम का गुजर है शाम के बाजार से। आइए हजरात, मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम हैदर अब्बास जाफरी साहब से जो भोपाल से तशरीफ लाए हैं, आप इन्हें समाप्त फरमाए, फिर इसके बाद एक मेहमान शायद आपके हवाले कर दूंगा पूरी दयानतदारी के साथ। लीजिए जनाबे ज़हीर अब्बास जाफरी साहब, आप हजरात नारे सलवात से इस्तकबाल करें मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। कभी इधर कभी लश्कर के पार है अब्बास, वो देखो नहर के सर पर सवार है अब्बास, कोई भी मार का हो कुफर के मुकाबिल में, कोई भी मार का हो कुफर के मुकाबिल में, खुद अपने आप में एक ज़ुल्फ़िकार है इधर कभी लश्कर के पार है अब्बास, ओ ये जिब्रील से कह दो के दरमियां से हटे, ओ ये जिब्रील से कह दो के दरमियां से हटे, ये जिब्राइल से कह दो के दरमिया से हटे, जमीन उलटने को लो बेकरार है अब्बास, कभी इधर कभी लश्कर के पार है अब्बास। आवाज साथ नहीं दे रही है,
जनाब अब्बास लेकिन हमारे साथ में है। नारा हैदरी इमाम असेर के हमराह तुमको आना है, इमाम असेर के हमराह तुमको आना है, तुम्हारे वार अभी तक उधार है अब्बास। कभी इधर कभी लश्कर के पार है अब्बास, जिधर नजर उठी उस सिमत ही नजर आए, जिधर नजर उठी उस सिमत ही नजर आए, ये लग रहा है यहां बेशुमार है अब्बास। कभी इधर कभी लश्कर के पार है अब्बास, चले तो दीद के काबिल दी तेज रफ्तारी, चले तो दीद के काबिल दी तेज रफ्तारी, हवा के दोष पे जैसे सवार है अब्बास। कभी इधर कभी लश्कर के पार है अब्बास। और ये दो मिसरे खास, हरम यतीन से सोते हैं इत्मीनान के साथ, हरम यतीन से सोते हैं इत्मीनान के साथ, किसी को फिक्र नहीं पहरेदार है अब्बास। कभी इधर कभी लश्कर के पार है अब्बास, चले जो नहर से प्यासे तो अलकमा ने कहा, चले जो नहर से प्यासे तो अलकमा ने कहा, चले जो नहर से प्यासे तो अलकमा ने कहा, वफा और सब्र के परवरदिगार है अब्बास। कभी इधर कभी लश्कर के पार है अब्बास। मख्ते गबन सोहेल फिकर करूं किस लिए मैं बख्शिश की, सोहेल फिकर करूं किस लिए मैं बख्शिश की, मेरी निजात के जब जिम्मेदार है अब्बास। कभी इधर कभी लश्कर के पार है अब्बास। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवा। हजरत मेरी फहरिस्त में चार पांच नाम बचे हैं। अरे अली अकबर साहब का हुक्म है कि देखिए मजमा चला जाएगा, मैंने कहा देखिए मजमा नहीं जाएगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, लिहाजा मेरी लाज रखिएगा, आप हजरत जाइएगा नहीं, क्योंकि अगर अली अकबर साहब को पढ़ा दूंगा क्योंकि दूर दराज से सफर करके आए, मैंने कहा थोड़ा आराम कर लें, गला वाला थोड़ा तैयार हो जाए, बल्कि तरनों में पढ़ेंगे हजरत। देखिए और अगर मजमा चला भी जाएगा तो उसमें क्या हर्ज है, आप ये नियत करिए यहाँ फरिश्ते हैं, यहाँ मौला का रोजा है जी, बड़े रोजे पे आप शेर पढ़ के आए, यहाँ छोटा सा रोजा है मौला का, यहाँ भी पढ़िए यहाँ भी पढ़िए, इंशाल्लाह आपको पूरी दाद मिलेगी, तमाम अंबिया आ जाएंगे सुनने के लिए, आपको अहले बैत अधार सुनने के लिए आएंगे। ये क्या चंद लोगों के लिए आप तमन्ना करते हैं, सरकार आप बड़ी बड़ी अमरीका और लंदन की महफिलें पढ़ के आए हैं, बहरहाल ये मौलाई लोग हैं इंशाल्लाह सुनेंगे। मैं अपने हिसाब से मुझे आप काम करने दें प्लीज, मुझे मैं चाहता हूँ कि दो तीन लोग हैं मैं उन्हें पढ़ा दूँ। आइए हजरात कोई शेर वे नहीं, अब यहाँ से पढ़े जाएंगे, मैं बगैर किसी तमीज के गुजारिश करूँगा अली हसनैन आरफी साहब से बहुत इख्तसार के साथ। आप भैया मेरी थोड़ी सी
अली हैदर बुरहानवी साहब, मौलाना अली हैदर बुरहानवी साहब से, मुजफ्फरनगर बुरहाना से ताल्लुक रखते हैं और गुजरात में ही इमाम जमात हैं। आप हजरात बाबा बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल करें। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ बहुत ही मुख्तसर वक्त में अच्छे शेर सुनाएंगे इंशाल्लाह। सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शान में कि कहीं बचाया इमामत को जलते खैमों से, कहीं बचाया इमामत को जलते खैमों से, कहीं पे सब्र का एहसास बन गई ज़ैनब, कहीं बचाया इमामत को जलते खैमों से, कहीं पे सब्र का एहसास बन गई ज़ैनब, कहीं पे सब्र का एहसास बन गई ज़ैनब। और कभी तो खुतबों से हमला, कभी तो खुतबों से हमला, कभी जलाल जरी, कभी तो खुतबों से हमला, कभी जलाल जरी, अरे कहीं अली कहीं अब्बास बन गई ज़ैनब। कभी तो खुतबों से हमला, कभी जलाल जरी, कहीं अली कहीं अब्बास बन गई ज़ैनब। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। कि लिखी गई है जो सब्रो वफाओ हैबत से, लिखी गई है जो सब्रो वफाओ हैबत से, खुदा की ऐसी इबारत का नाम ज़ैनब। लिखी गई है जो सब्रो वफाओ हैबत से, लिखी गई है जो सब्रो वफाओ हैबत से, खुदा की ऐसी इबारत का नाम ज़ैनब है, खुदा की ऐसी इबारत का नाम ज़ैनब है। है दीन को तो जरूरत हुसैन की, लेकिन है दीन को तो जरूरत हुसैन की, लेकिन हुसैन की भी जरूरत का नाम ज़ैनब है। दीन को तो जरूरत हुसैन की, लेकिन हुसैन की भी जरूरत का नाम ज़ैनब है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। क्या असर दिखलाएगा अब इश्क हैदर देखना, 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 गौर से अब दार पर नीसम के तेवर देखना, क्या असर दिखलाएगा अब इश्क हैदर देखना, गौर से अब दार पर नीसम के तेवर देखना, गौर से अब दार पर नीसम के तेवर देखना, के देवर देखना। और मैं अजा का फर्श जिस दिन भी बिछा दूंगा यहाँ, मैं अजा का फर्श जिस दिन भी बिछा दूंगा यहाँ, मैं अजा का फर्श जिस दिन भी बिछा दूंगा यहाँ, फूल बन जाएगा बस उस दिन मेरा घर देखना, मैं अजा का फर्श जिस दिन भी बिछा दूंगा यहाँ, फूल बन जाएगा बस उस दिन मेरा घर देखना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। छुटकारा मिलेगा मौत तक, दिल की बीमारी से, दिल की बीमारी से छुटकारा मिलेगा मौत तक, दिल की बीमारी से छुटकारा मिलेगा मौत तक, महफिलों में नारे हरदम लगा कर देखना। देर तक तुमको दुआएं देगा ये आंखों का नूर,
देर तक तुमको दुआएं देगा ये आंखों का नूर, मजलिसे शब्बीर में आंसू बहाकर देर तक तुमको दुआएं देगा ये आंखों का नूर, मजलिसे शब्बीर में आंसू बहाकर देखना। ये शेर जनाब अली असगर के लिए कि मजलिसे शब्बीर में आंसू बहाकर देखना और सारी दुनिया में निराला है अली असगर का फन। ये शेर बतौर खास सारी दुनिया में निराला है अली असगर का फन, सारी दुनिया में निराला है अली असगर का फन, सारी दुनिया में निराला है अली असगर का फन। तीर खाना तीर खाकर मुस्कुरा कर देखना, सारी दुनिया में निराला है अली असगर का फन। तीर खाना तीर खाकर मुस्कुरा कर देखना, तुमको जन्नत का पता चल जाएगा जीते हुए, तुमको जन्नत का पता चल जाएगा जीते हुए। जिंदगी में करबला एक बार जाकर देखना, जिंदगी में करबला एक बार जाकर देखना, तुमको जन्नत का पता चल जाएगा जीते हुए। जिंदगी में करबला एक बार जाकर देखना, और अगर जन्नत बुलानी हो तुम्हें अपने, तुमको जन्नत का पता चल जाएगा जीते हुए। जिंदगी में करबला एक बार जाकर देखना, और अगर जन्नत बुलानी हो तुम्हें अपने ही घर, और अगर जन्नत बुलानी हो तुम्हें अपने ही घर, शाह का फर्शे ऐसा घर में बिछा कर देखना, और अगर जन्नत बुलानी हो तुम्हें अपने ही घर, शाह का फर्शे ऐसा घर में बिछा कर देखना। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले अपने ही घर, शाह का फर्शे अदा घर में बिछा कर देखना। दौलत इश्क अली है सारी दौलत से बड़ी, दौलत इश्क अली है सारी दौलत से बड़ी, इसकी कीमत आन कर तुम रोजे महशर देखना। आखिरी शेर इसकी कीमत आन कर तुम रोजे महशर देखना, और आखिरी शेर, और उसके बाद में अगला शेर आपके हवाले। आखिरी शेर बतौर खास इसकी कीमत आन कर तुम रोजे महशर देखना, इसकी कीमत आन कर तुम रोजे महशर देखना, और मिट नहीं सकते कभी भी ये आजादारे हुसैन। आखिरी शेर मिट नहीं सकते कभी भी ये आजादारे हुसैन, ये दुश्मनों को पैगाम है, ये आज हैदर उरानवी का दुश्मनों को पैगाम है कि जो शियत को मिटाना चाहते हैं, मिट नहीं सकते कभी भी ये आजादारे हुसैन, मिट नहीं सकते कभी भी ये आजादारे हुसैन। एक दो नहीं, एक दो दस नहीं, हजारों बम लगा कर देखना। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले ऐसा कातिल कि न सामान है सफर कर छोड़ा, सब जला दिया। ऐसा कातिल कि न सामान है सफर कर छोड़ा। अली अकबर साहब देखिए नागलपुर से लोजियाज भाई और महबूब भाई आप ही को सुनने के लिए बैठे हैं, बहुत दूर की मुसाफरत दे रखी, ये भी सुनने के लिए आए हैं इंशाल्लाह। ऐसा कातिल कि न सामान है सफर तक छोड़ा, ऐसा मखदूर शहादत का असर तक छोड़ा। जब भटकता हुआ इस्लाम मिला राहों में, उंगलियां थाम के बीमार ने घर तक छोड़ा। जब भटकता हुआ इस्लाम मिला राहों में, उंगलियां थाम के बीमार ने घर तक छोड़ा। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम आरिफ हसनैन, अली हसनैन आरफी साहब से,
भाई इंतजार से काम ले, नहीं तो मैं सुनाने लगूंगा शेर, मुझे बहुत याद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं आप हजरात, बाबा से बुलंद बाबा सलवात पढ़े। जनाबे उतारे दामी
नारे उसकी कोई मिसाल नहीं, वो बेमिसाल है। लैला के लगते दिल में नबी का जमाल है। कर्बला तो हो गई 1400 साल की, अकबर की उम्र आज भी 18 साल है। काला धन नहीं रखते, बताते हैं अपना खून तो दिखा।
हुसैन वाले कभी काला धन नहीं रखते। हजरत थोड़ा सा आप चिमटाए, थोड़ा सा अगर आप चिमटाएंगे, मैं बड़ी दूर दराज से तशरीफ लाने वाला एक बड़ा मेहमान शायद, बल्कि अच्छा कमीने गुजरात से, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर अपने आवाज का झंडा लहरा के आने वाला जनाब मोहतरम अली अकबर अमीन साहब की खिदमत में गुजारिश। देखिए अली अकबर साहब आपको सुनने के लिए, देखिए लोग कैसा आ रहे हैं, आप जो लोग आ रहे हैं से नारा लगाइए आते आते, उन्हें अकबर भाई को मालूम बेदार बेदार कौम है, बेदार समाते हैं, नारा है दरी, चूंकि अभी काफी ताखीर भी हो चुकी है और सब कुछ लोग पीछे सो भी रहे हैं और कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं कि सो जाएं, तो बिल्कुल बरहक उसे वो भी एक सआदत है, चूँकि ये फर्श अदा है कि जहाँ हमारी सांस लेना भी हमें सवाब के शरफ का बारिश बनता है, और चूँकि बस मेरी थकावट तो कुछ भी नहीं है, चूँकि मैं करबला से बस आज ही लौटा हूँ, तो सब कुछ शामिल करते हुए और कुछ लोगों की ख्वाहिश भी थी कि मैं यहाँ पे आके पढ़ूँ, और कुछ लोग जो माशाल्लाह से शुक्रगुजार यहाँ पे जो लोग हैं मुंतजमी जाफरी चैनल जो काफ़ी पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है, तो वहाँ से भी कुछ लोग जो इंडिया के बाहर हैं वो भी कुछ लोग कह रहे थे कि इस साल भी अगर आप वहाँ पे हो तो हम लोग ये इसमें सआदत हासिल कर सकें, तो बस सवाबन अपना शरीर एक सवाबन अपनी भी हाजिरी दर्ज हो जाए, और मेरे सीनियर अजादार साहब भी मौजूद हैं, चूँकि उनके बाद पढ़ना एक वो भी है, तो खैर उनकी इजाज़त देते हुए और जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सबकी इजाज़त देते हुए मैं चाह रहा हूँ कि देखें यहाँ पे लोग माशाल्लाह से बैठे हैं, और मुझे लग रहा है काफ़ी जाने माने चेहरे हैं और सारे ही माशाल्लाह से जाने माने, मौला हुसैन आपको शादो आबाद रखें, कोई मना दे सिवाय हमें करबला में, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मुझे पता है किसी को हाल की तकलीफ, किसी को माल की तकलीफ, किसी को कर्ज की तकलीफ, किसी को मर्ज की तकलीफ, यही वो फर्श अदा है कि जहाँ हमारी मुरादें पूरी होती हैं, हमारी मुरादें भर आती हैं, तो बस ज़्यादा वक्त नहीं लेना, और आपने और मेहमान शोरा ग्राम को भी नजर करना है, मैं चाह रहा हूँ मेरे साथ सब जुड़ के मौला की बारगाह में नारा मैं लगाता हूँ, चूँकि और देख भी लूँ कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह जाग तो रहे हैं, बस दोनों हाथ उठा के ज़रा मुझे बता दीजिएगा कि हाँ हम लोग जा रहे हैं, कुर्सी पे जितने लोग बैठे हैं वो लोग भी सारे, और पीछे वाले जितने भी आराम गाँव में सुन रहे हैं वो लोग भी ज़रा हाथ उठा के बता दीजिएगा, आपकी मुस्कुराहटें कायम रहें, शहजादी आपको कोई गम न दे सिवाय हमें करबला के, दोनों हाथ बुलंद करके मौला की बारगाह में चलते हैं, कानों दर का नारा अभी यहाँ से आवाज़ आ रही थी, वहाँ से आवाज़ आ रही थी, वहाँ से मिल के एक ऐसी आवाज़ आनी चाहिए कि नजफ़ तक आवाज़ जाए, पता चले मौला के हरम में के कानों दर में मुसालिमा हो रहा है, मेरे साथ मिलके नारे सारे भोले बनाने वाला
खोले हमारे अश्क तो जन्नत मिल गई जरूर होता है, चाहे वो अलम की शक्ल में हो या ताजिए की शक्ल में हो या कोई जगह मुअय्यन की हो। अगर घर बनाएगा तो सबसे पहले चाहेगा कि मैं अज़ाखाना बनाऊं, फिर देखेगा कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है। अगर हक है तो मेरा साथ देना, अगर इंशाअल्लाह करबला जाने की तमन्ना है। चार मिसरे नजर करता हूँ, वाला आप सबको करबला बुलाए। सितम शियार ना अहले जफा का हिस्सा है, क्या बसात है। सितम शियार ना अहले जफा का हिस्सा है, हर एक अश्क मेरा सैयदा का हिस्सा है। सितम शियार ना अहले जफा का हिस्सा है, हर एक अश्क मेरा सैयदा का हिस्सा है। बिल्कुल माशाल्लाह सलामत रहे। लोग कह रहे हैं कि मनमा सो गया है, लेकिन सोया नहीं। कभी जिक्र अहले बैत सुनने वाले और करने वाले सोते नहीं है, क्योंकि हमारे एक चश्मा ने जब लाखों का लश्कर सिर्फ हंस के रुला दिया था तो हम उनके चाहने वाले हम कैसे सो सकते हैं। मैं नजर करता हूँ माशाल्लाह से सब लोग बैठे हैं, तो नजर करता हूँ देखिएगा। अच्छा लगता है, अच्छा लगता सुना। शामों सहर ये बज़्मे सजाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मौला अली की मदहे सुनाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। करबला में और करबला हिंद में आप बैठे हैं, मैं शेर नजर करता हूं, क्या समाज सुने कि फातिमा चक्की पी सही है चूने में है उसे, फातिमा चक्की करे करबला में वो क्यों कि फिर मुझे को या शाहीन जफे एक बार बुला दीजिए, फिर मुझे को या शाहीन जफे एक बार बुला दीजिए। आप किधर पे आना जाना अच्छा लगता, शामों सगरिये बज़्म सजाना अच्छा।
अभी लोग सुन रहे हैं तो ऐसे बस उसे हमारे कह रहे हैं ना कि वो सिर्फ सरों को हिला रहे हैं कि हाँ ठीक है, हाँ आप सही पढ़ रहे हैं, लेकिन इस पे आप हजरात दीदार चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छा शेर है मनकबत का। हाथ उठा के सबूत दे देना मौला के चाहने वाले बैठे हैं, मुझे बार बार कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छी बात होती है तो जरूर उनके बोलते हैं, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। बिल्कुल समाज कर करता हूँ कि शाम सजाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, पढ़ के ये कलमा दुश्मन दी पे वार करो तुम भी, पढ़ के ये कलमा दुश्मन दी पे वार करो तुम भी, ना दे अली पढ़ने से निशाना अच्छा। जिसके लिए बहुत दो तीन लोगों ने हुक्म किया है, जिसका ज्यादा हुक्म है मैं नजर कर दी देता हूँ। बस सवाबन आपने दूसरे लोगों को भी समाप्त करना है, जरा जाग के मौला की बारगाह में सुन ले, नजर करता हूँ, देखिएगा बतौर खास कि हम सभी का पैगंबर पे लाखों सलाम, हम सभी का पैगंबर पे लाखों सलाम, और जहरा घर बैठे लाखों सलाम, हम सभी का पैगंबर पे लाखों सलाम, और जहरा के घर बैठे लाखों सलाम, खत्मे खत्मे इक बने ज़ौफ़े रिसाला।
लानत किया, खत में एक पन्ने सौंपे रिसालत किया, सैयदा तेरी चादर पे लाखों सलाम, सैयदा तेरी चादर पे लाखों सलाम, तो जिसकी हिम्मत पे खुद मौत हैरान थी, भाई मेरे मौला के चाहने वाले, अरे जिसकी हिम्मत हैरान थी, शह के छोटे से असगर पे लाखों सलाम। मिल के जवाब तो दे सकते हैं, मौला का नाम है ये भी सवाल में शामिल है। हैदरी शह के छोटे से असगर पे लाखों सलाम, तो जिस पे एक साथ बैठे थे दो दो खतीब, जिस पे एक साथ बैठे थे दो दो खतीब, खून के पाकीज़ा मिंबर पे लाखों सलाम, खून के पाकीज़ा मिंबर पे लाखों सलाम, हम सभी का पैगंबर पे लाखों सलाम, और ज़हरा के घर पे लाखों सलाम। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले, हम सभी का पैगंबर पे लाखों सलाम, और ज़हरा के घर पे लाखों सलाम। अभी रोज आप मजलिस सुनते हैं मौला हुसैन की कि प्यासे रहें, और क्या बात है। शेर नजर करता हूँ, बहुत आसान सी लफ्जों वाली शायरी, मुझे पता है गुजरात के लोग हैं, मैं नजर करता हूँ, बतौर खास देखिएगा कि जिनके होठों को पानी तरसता रहा, जिनके होठों को पानी तरसता रहा, ऐसे प्यासे समंदर पे लाखों सलाम, ऐसे प्यासे समंदर पे लाखों सलाम, तो जिसे ज़ैनब ने काटे हैं खुतबे के तेवर पे लाखों सलाम, ऐसे खुतबे के तेवर पे लाखों सलाम, तो जिसकी सूरत पे खालिक को भी नाज है, जिसकी सूरत पे खालिक को शबी है पैगंबर पे लाखों सलाम। मिलके बोले जना भाई, आप तो जवान है, मैं वहां देख के पढ़ रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कुछ मिले वहां से। हैदरी जिसने बोला कि महफिल में
जब भी